बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना अंतर्गत बोथिया गांव में प्राइवेट बस ने सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। पुलिस ने रविवार को परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। सरहदी बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना अंतर्गत बोथिया गांव में प्राइवेट बस ने सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार रोहिली निवासी वीरमाराम पुत्र 42 वर्ष पुत्र आदुराम शनिवार रात करीब 8-9 बजे बोथिया गांव बहन के घर से अपने गांव पैदल सड़क किनारे जा रहा था। नेशनल हाईवे पर बोथिया पुलिया के पास बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ जा रही प्राइवेट बस ने ओवरटेक के दौरान युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली पुड़िया के पास NH-68 जो बाड़खा के पास में बस जा रही थी और एक पैदल रागीर चल रहा था। वीरमाराम पुत्र आदुराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष पैसा मजदूरी निवासी रोहिली पुलिस थाना ग्रामीण जो बस के द्वारा टक्कर मार दी थी जिसपे ऑन स्पॉट वहीं उसकी डेथ हो गई थी। फिर सूचना बाड़खा चौकी प्रभारी और पुलिस थाना ग्रामीण SSO थानाधिकारी महोदय वहाँ मौके पर पहुँचे और बस को बाड़खा चौकी के अंदर खड़ी करवाई गई और बॉडी को लाके मौसम बाड़मेर में रखवाया गया और आज मौका कार्यवाही परिजनों को सुपर्द कर दिया। जब वीरमाराम सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वीरमाराम जी रोड पे पैदल अपने कोई घरेलू काम के लिए रोड पे पैदल चल रहे थे और चलते वक्त बस के द्वारा टक्कर मारी। आसपास के लोगों ने राज वेस्ट माइंस की एम्बुलेंस को बुलाकर जिला अस्पताल लेकर आए। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीण थाना पुलिस ने बाड़मेर से जैसलमेर जाने वाली बस को दस्तयाब भी किया है। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया।